सात महीने बाद फिर वर्ल्ड कप, बदल जाएगी पूरी टीम इंडिया। वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई ने 23 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम भी घोषित कर दी है। वर्ल्ड कप के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी इसके लिए चुने गए हैं। सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ये इस बात का भी संकेत है कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में नई खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, यानी 7 महीने बाद एक और वर्ल्ड कप खेला जाना है। आईसीसी की ओर से जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में कराया जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में उतरने वाले कई खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में शायद ही मौका मिले। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली नवंबर 2022 के बाद कोई टी20 इंटरनेशनल मैच में नहीं खेले हैं, यानी वे पिछले एक साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। कोच राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए वीवीएस लक्ष्मण को कोच पद की जिम्मेदारी दी गई है। यानी साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पूरी तरह से नए अवतार में नजर आएगी।